फर्स्ट टाइम मैं ऐसे एक कोहरा देख रहा हूँ, सामने देखो, और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ ऐसा है कि कैमरा जस्टिस कर सकता है, अपनी आंखें जस्टिस नहीं कर सकती, लेकिन पीछे दो तीन लोग दिखे मुझे जो इधर तक एक भी होटल नहीं थी, और मुझे लगा कि भाई आज भूखा इधर आना पड़ेगा, घर पे आके खाना पड़ेगा, लेकिन इधर चाय बन रही है और आने के बाद इधर नाश्ता भी करेंगे भाई। तो गाइस ये चेक करो, इधर से तो और भी डेंजर एकदम मस्त वाला दिख रहा है, ये देखो। और यहाँ फोटो क्लिक कर सकते हैं, लेकिन एक गलती भी हो गई तो सीधा डिलीट हो जाएगी। पकड़ लिया, देखो इसको छोटा है इसलिए काट नहीं रहा। होला चिकोस, कोमो इस्ताद। तो दोस्तों कैसे आप लोग, आई होप सभी मस्त होंगे। तो गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अहुपे के लिए। अहुपे मतलब यही पे डिम्बे के आगे है, मतलब भीमाशंकर रोड पे, और लगभग मेरा प्लान था वो एक महीने से, और मॉनसून राइड्स मतलब मॉनसून के जो जो अपने प्लान थे वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि भाई बारिश ही नहीं हो रही कहीं भी। आज भी वेदर देखो सुबह सुबह मतलब खूबसूरत है, मतलब सनराइज़ एक नंबर होने वाला है, अभी अब तक हुआ नहीं है, लेकिन बारिश होती है तो वो सब जगह पे आने का मज़ा होता है। और अहुपे भी जा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि ऊपर वो साइड बारिश है इसलिए मैं जा रहा हूँ, नहीं तो बाकी के सब प्लान थोड़ा आगे बढ़ाए होंगे, जब बारिश स्टार्ट होंगे तब अपन कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल तो भाई अभी इधर से निकलता हूँ, मैं बाइक लेता हूँ और बाइक पर मिलता हूँ सीधा आपको। और आज अपन जो जा रहे हैं वो अहुपे कोकन कड़ा है, तो बस देखते कैसे जाता है आज का सफ़र। बहुत दिन बाद राइड हो रही है, नॉर्मल ब्लॉग्स तो बन रहते हैं, राइड वाले अभी बारिश होएंगे तो कंटिन्यू बनेंगे, तो मिलता हूँ मैं आपको रास्ते में। तो गाइस अभी निकल चुका हूँ मैं घर से, और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30, और निकलना था वैसे मुझे कुछ 6 बजे के आसपास, लेकिन नहीं हो गया। हर बार का ऐसे ही है कि मैं सोचता हूँ निकलूँगा लेकिन भाई आधा घंटा एक घंटा लेट होता ही है। और आज का वेदर भी अच्छा है, बारिश तो नहीं है, लेकिन बारिश गाइस होना चाहिए क्योंकि बारिश नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आती है, फिर बस सूखा सूखा अपना आओ, सूखा सूखा जाओ, थोड़ा भीगते हैं तो इंसान को अच्छा भी लगता है। तो आज अपन जाने वाले हैं अहुपे। अरे भाई ले लो आप ले लो, पहले जाने देते इनको, अभी यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। और अपना आज का जो राइड होने वाला है लगभग होने वाला है कुछ 80 किलोमीटर्स के आसपास, पहले मैंने मैप में देखा था तो सही से बता नहीं रहा था, तो मतलब पूरा मैंने यहाँ से लेके तो वहाँ तक का डिस्टेंस चेक किया, यहाँ से डिम्बा अपने को 30 किलोमीटर और वहाँ से 50 प्लस कुछ तो है, 85 मतलब अराउंड अपने को किलोमीटर्स है। तो देखते हैं अपने आज कितना टाइम लगता है, लेकिन रास्ते एकदम साफ होते हैं। तो अहुपे का जो अपना प्लान था वो करना था लगभग 1-1.5 महीने से, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि बारिश भी नहीं थी। और गाइस अपने को ब्रिज के नीचे से जाना है, राइट से जो रास्ता है वो जाता है नासिक और लेफ्ट से जो जाता है वो है पुणे, तो अपने को यहाँ से नीचे से स्ट्रेट जाना है डिम्बा के लिए, घोड़ेगांव डिम्बा, फिर उसके बाद वहाँ से भीमाशंकर भी आता है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ से अपने को 85 किलोमीटर पड़ेगा, और रास्ते तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि लास्ट टाइम ही मैं डिम्बा गया था वहाँ तक के तो रास्ते एक नंबर बने हैं, बस आगे का मुझे पता नहीं क्योंकि अहुपे मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो पता नहीं कैसे रास्ते हैं, लेकिन जैसे भी रास्ते हो एडवेंचर हो भाई करना तो है ही। और आज का मतलब नींद भी अच्छी हुई है, बस मेरा मुंह थोड़ा सूजा लग रहा है क्योंकि 2 दिन से नहीं हो रही थी अच्छे से नींद। तो गाइस मिल गया है पेट्रोल पंप, और ये नयारा पेट्रोल है, आज तक मैंने डाला नहीं उधर पे, और भाई गाड़ी ट्रिप एफ पे आ गई थी तो पहले पेट्रोल डालना ज़रूरी था, नयारा हो प्यारा हो कोई भी हो, पेट्रोल डालते पहले और फिर आगे निकलते। और भाई सनराइज़ हो गया है, ये जो झाड़ दिख रहा है आपको नारियल का उसके पीछे छुपा है, आगे जाने के बाद दिखेंगे एकदम क्लियरली। तो बाइक में पेट्रोल भर चुका है, लगभग 20 किलोमीटर के आसपास चले उतना ही पेट्रोल था, और सुबह का टाइम था तो ये वाले एरिया में पेट्रोल नहीं मिलता है, इसलिए मैंने पीछे से ही भरा लिया। अभी प्रॉब्लम नहीं, अपन रिटर्न आते टाइम पे भी यही पेट्रोल पे आ सकते हैं, और हो सके तो मैं HP में ही भराता हूँ क्योंकि वो वाला जो पेट्रोल रहता है मेरे को सही लगता है, और लॉन्ग राइड पर भी जब मैं रहता हूँ तो वो वाला ही पेट्रोल डलाता हूँ मैं बाइक में।
और अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, फुल हो चुका है। अभी भरा जाओ तो मेरे को 50 पेट्रोल पंप दिखेंगे, नहीं तो भाई एक भी ओपन नहीं दिख रहा था। और यहाँ के जो रास्ते भाई एकदम चुम्मेश्वर रास्ते, खूबसूरत है। और बस वेदर देखो, यहाँ भी लेफ्ट में और एक पेट्रोल पंप आ गया, जान जलती है फिर। और यहाँ के जो रास्ते हैं भाई बहुत चुम्मेश्वर है जैसे मैं बोल रहा था, लेकिन ऐसा है कि थोड़ा सा वेदर अच्छा होता तो अच्छा रहता, लेकिन अगर ऊपर जाने तक ऐसा ही वेदर रहेगा तो भाई मज़ा नहीं आने वाली है, क्योंकि अपन जो रास्तों पे जाने वाले हैं वो रास्तों पे फॉग वाला जो वेदर होता है वो एकदम मस्त लगता है। और वहाँ के रास्ते भी छोटे छोटे, क्योंकि मैं थोड़े आगे तक गया हूँ, एकदम ऊपर तक नहीं गया हूँ, और आपको रास्ते भी देखने में मज़ा आएंगी क्योंकि यहाँ का जितना भी वेदर है। और देखो बातें करते करते अपन पहुँच चुके हैं डिम्बे, और डिम्बे से अपने को और अभी आएगा डिम्बा धरन, और डिम्बे से अपने को जाना है और 55 किलोमीटर के आसपास, क्योंकि मैंने पूछा है वो पीछे, और यहाँ एक भी दुकान ओपन नहीं है। मैं सोच रहा था चाय पी लूँ, लेकिन आज मंचर घोड़ेगांव खेड़ मतलब खेड़ तो बंद था, डिम्बा वो सब बंद है। और आगे जो दिख रहा है आपको बड़ा वाला धरन राइट साइड में आपके, वो है डिम्बा धरन, बहुत खूबसूरत प्लेस है, मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ नीचे से। और यहाँ से आगे जो आपको दिख रहा है रास्ता, ये वाला भीमाशंकर जाता है लेफ्ट साइड में, राइट साइड वाला जो दिख रहा है वो है आउपे और डिम्बे। तो अभी अपन फटाफट डिम्बा पहुँचते हैं और थोड़ा सा फ़ोटो शूट करते हैं, और उसके बाद आगे का राइड अपन कंटिन्यू करेंगे। गाइज अभी मैं पहुंचा हूँ डिम्बे धरन के पास, और भाई ज़रा भी बारिश नहीं है, लेकिन भाई एकदम ठंडा वेदर है, और रास्ते में एक भी चाय की दुकान खुली नहीं थी, तो मैं बोला कहाँ पीऊँ चाय, अभी आगे जाके देखना पड़ेगा मेरे को। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15 और पहुंचने तक टाइम होगा, तो तब तक कुछ ना कुछ चाय की दुकान ओपन हो सकती है, लेकिन सुबह की आदत है, अभी तक भाई आधा घंटा हो गया चाय मिली नहीं है। और ये देखो एकदम मस्त वाला डिम्बा धरन है, और कैमरे में छोटा दिख रहा होगा लेकिन भाई बहुत बड़ा है। और भाई यहाँ देखो सूरज, और यहाँ पानी, और आजू बाजू पूरा वेदर एकदम मस्त है। और मुझे याद आ रहा है एक बार मुझे मिले, हम लोग सब आए थे भाई, मुनीप भाई ने, मुनीप भाई वीडियो देखते हैं, मुनीप भाई ने इधर बैठ के फ़ोटो निकाल लेते। और लेफ्ट साइड में जो आपको ये व्यू दिख रहा है भाई, ये मेरे को गोवा की याद दिला रहा है। जब मैं पंजिम से अपना कलंगुट वगैरह रिटर्न जा रहा था, तो भाई लेफ़्ट साइड में ऐसे ही रास्ता था, और भाई गोवा की जो वाइब है ना भाई बहुत खूबसूरत है। मतलब वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हॉन्टेड चीज़, वो छोड़ के मतलब हर जगह कुछ ना कुछ वाइब रहती है, लेकिन भाई ये जो चीज़ है, ये जो गोवा की वाइब याद दिला रही है मेरे को। लेफ़्ट साइड में ये पानी दिख रहा है आपको पूरा, वैसा वो तो समंदर था, ये झील है, मतलब जो डैम रहता है उसमें पानी जमा हुआ रहता वो है। लेकिन गोवा के ब्लॉग्स आपने नहीं देखे, शायद नहीं देखे, मतलब जिसने, तो आप वो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, 6 ब्लॉग्स है, आप जाके देखो। और बाकी का जो चीज़ें हैं वो आप लोगों तक शेयर करो, ब्लॉग्स वगैरह। और बाकी मैंने लोगों के गोवा ब्लॉग्स देखा भाई खुद से, मतलब मैं खुद से रेटिंग नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरे को जो दूसरे लोगों ने बताया कि मतलब मैंने जो ब्लॉग बनाए वो गोवा के भाई बहुत अच्छे हैं, सिनेमैटिक है, थोड़ा डिटेल में है, लेकिन बाकी लोगों के इतने अच्छे नहीं है, मतलब मैं खुद के मुँह से तारीफ नहीं कर रहा हूँ। तो गाइज आपको देखना बनता है। आधे से ज़्यादा घाट पार हो चुका है, और अभी पहुँचने में अपने को लगभग 30 किलोमीटर बचा है, और यहाँ पर फॉग स्टार्ट हो गया, जिस चीज़ का बहुत देर से इंतज़ार था। और मैं रास्ते से सोचते आ रहा था कि अगर फॉग नहीं होगा तो भाई मज़ा नहीं आएंगी राइड करने में भी, आपको भी देखने में, क्योंकि धूप तो किसी को देखना नहीं है, मॉनसून चल रहा है। तो फाइनली देखो गाइज एक नंबर फॉग आ चुका है, लेकिन जितना जितना मैं आगे बढ़ रहा हूँ उतना उतना फॉग भी बढ़ रहा है। बस ये रास्ता देखो आगे से, मतलब कुछ कुछ रास्ते तो पीछे ऐसे थे कि मुझे वो इसकी फील करा रहे थे, रास मूवी है उसमें जितना फॉग रहता है, तो भाई पीछे इसकी गांड फट रही है एकदम हालत ख़राब हो रही है। तो मेरे को बोल रहे हैं भाई इस एकदम धीरे धीरे चला, नहीं तो मतलब कोई ना कोई सामने से आके ठोक देगा। और भाई ये देखो लाइफ में फर्स्ट टाइम मतलब इतना डेंजर फॉग देख रहा हूँ मैं। ये कैमरा थोड़ा थोड़ा जस्टिस कर पा रहा है भाई, मेरे को तो आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा है, कैमरे में आपको दिख रहा होगा क्योंकि कैमरे में इतना फॉग नहीं दिखता है, मैंने बहुत बार नोटिस किया हूँ। और आगे का तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, जैसे आपको दिख रहा है कि आगे कुछ नहीं दिख रहा, वैसे मेरे को तो बाइक के आगे ही मेरे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मैं मतलब अंदाजे से चला रहा हूँ। कुछ कुछ जगह है फॉग आ रहा है जा रहा है,
और रास्ते भी ऐसे हैं, मतलब कर्व वगैरह भी बहुत है रास्तों पे। देखो थोड़ी सी धूप आई थी अभी, ये देखो थोड़ी सी नॉर्मल धूप आई थी, और आगे जाने के बाद फिर वैसे ही रास्ता आने वाला है। तो फटाफट भाई इस रास्ते को अपन पार करते हैं, और फाइनली भाई बाइक की आवाज़ आई है मेरे को। तो गाइस पहुंच चुके हैं फाइनली इधर, और भाई रास्ते में इतने डरावने डरावनी रास्ते, आजू बाजू झाड़, ये बोल रहा है कि मेरी गांड फट रही है। ये पहली बार आ रहा है ऐसे रास्तों पे, इसकी वजह से इसको आदत नहीं है ना, दूसरी बार आ रहा है। अभी चाय पीते हैं, मस्त चाय की चुस्की लेते हैं। तो गाइज इधर पहुंचा हूं मैं फाइनली, और भाई इधर पे मिल गई अपने को होटल, और रास्ते में एक भी होटल नहीं थी, मतलब मंचर से लेके इधर तक एक भी होटल नहीं थी, और मुझे लगा कि भाई आज भूखा इधर आना पड़ेगा, घर पे आके खाना पड़ेगा, लेकिन इधर चाय बन रही है, और आने के बाद इधर नाश्ता भी करेंगे। भाई वेदर चेक करो, ये देखो एक नंबर है, यही चाहिए था मेरे को, लग रहा था धूप होंगी, लेकिन नहीं, ये धूप एकदम मस्त वेदर है इधर पे। और आगे अपने को जाना है कोकन कड़ा, उधर भी मस्त वेदर रहेगा। तो गाइज आ चुकी है अपनी चाय, ये देखो चेक करो, मस्त लग रही है देखने में, और इसके साथ एक गुड्डे बिस्किट, और खाते अभी फटाफट। अभी पेट में गया है तो अच्छा लग रहा है, मतलब भाई हालत ख़राब हो रही थी और ठंडी बहुत लग रही है भाई, मैं कांप रहा हूँ, मेरा हाथ भी कांप रहे लिटरली। फटाफट इसको खाते ख़त्म करते, चाय की चुस्की लेते हैं। अरे यार तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ कोकन कड़ा के पास, और ये देखो यहाँ पे कोकन कड़ा, और यहाँ पे बंदर भी बहुत सारे, बंदर भी दिखाता हूँ मैं आपको। और भाई आसपास का वेदर चेक करो, मतलब बारिश, फॉग और धूप, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है भाई, तीनों का इधर है, और भाई दिखने में इतना खूबसूरत है। आजू बाजू फॉग आ रहा है, पीछे थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना, धूप भी है, और वेदर चेक करो भाई, मस्त एक नंबर लग रहा है। तो गाइज ये रहा कोकन कड़ा, यहाँ की सबसे खूबसूरत प्लेस, ये देखो मेरे पीछे दिख रहा है आपको, नीचे पूरा एकदम गांव है, और एकदम नीचे एकदम डीप वाली खाई है। और भाई आज हवा भी नहीं चल रही, ये चीज़ अच्छी नहीं, तो हवा चलती है तो फिर आवाज़ सही से आती नहीं है, क्योंकि अपन एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ घर में, दो तीन बार से सोच रहा हूँ घर में ही पड़ा है यूज़ करूँ, लेकिन नहीं कर रहा हूँ मैं। भाई एक नंबर खूबसूरत है, और अभी अपन चल के उधर एंड तक जाएंगे, उधर एंड से भी व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। गाइस मैं इधर आगे तो आ चुका हूँ, लेकिन मेरी यहाँ फट रही है, फ़ोटो निकालना है, यहाँ बहुत मस्त फ़ोटो आता है, मैंने बहुत सारे पोज देखा हूँ, फ़ोटो बहुत मस्त आता है, लेकिन यहाँ मेरे को आगे जाने के लिए फट रही है, थोड़ा सा ही आगे जाता हूँ, ज़्यादा नहीं आता हूँ। ये देखो कहाँ से जाऊँ, यहाँ से जाता हूँ, अरे बाप रे, ये देखो क्या मस्त फ़ोटो आएगा इधर से, इधर बैठ के। थोड़ा रिस्की है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, इधर से मतलब रजा को बोलता हूँ वहाँ खड़े रह के फ़ोटो क्लिक कर, मैं यहाँ बैठता हूँ, एक नंबर आएगा। और फॉग भी जा रहा है देखो ऊपर एकदम मस्त तरीके से, और वहाँ पे नीचे गांव था, अभी दिख रहा था थोड़े से, अभी एकदम पूरा तरीके से इनविजिबल हो गया है, दिख भी नहीं रहा कुछ। अभी जो अपन प्लेस पे है उसका नाम है कोकन कड़ा, और यहाँ मैं बहुत एक महीने से आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं हो पा रहा था, लेकिन फाइनली आज सुबह सुबह प्लान बन गया, और मैं निकल गया 6 बजे घर से। जल्दी निकलने का फ़ायदा ये है कि सुबह सुबह का वेदर भी अच्छा रहता है, और फ्रेश भी लगता है थोड़ा, फिर आधा दिन चला जाता तो भाई बोर होता कहीं भी जाने के लिए, और भाई एक नंबर वेदर है। मैं आगे तक जा रहा हूँ थोड़ा, और जितना जा सकता हूँ, फिर और एक प्लेस है बोल रहे थे या कोई, तो अगर वहाँ होता है तो फिर वहाँ भी जाते हैं, लेकिन यहाँ की जो मेन प्लेस है, और यहाँ की और एक ख़ास बात है, मैं आपको जो बता रहा था कि भाई फ़ोटोशूट यहाँ एक नंबर होते हैं, आप आएंगे तो भाई इतने फ़ोटोज़ निकलेंगे, फ़ोटो वाली जगह है पूरी इंस्टाग्राम से भरने के लिए, तो इंस्टाग्राम के लिए बहुत सारे फ़ोटोज़ मैंने क्लिक किया हूँ। तो गाइज आप जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, नीचे लिंक आ रहा हूँ, देखो जाके फॉलो करो,
फोटोज को लाइक करो, रील्स को शेयर करो। गाइस ये चेक करो, इधर से तो और भी डेंजर एकदम मस्त वाला दिख रहा है, ये देखो। और यहाँ फोटो क्लिक कर सकते हैं, लेकिन एक गलती भी हो गई तो सीधा डिलीट हो जाएंगे, तो इधर रिस्क लेने का मतलब है नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं लूँगा, कोई आया तो वो भी मत लो। और आज का वेदर अच्छा है, फॉग वगैरह है और ठंडा वेदर है और बारिश भी नहीं, तो अच्छी बात है। बाकी फ़ोटोज़ तो आपको मालूम है कहाँ देखने हैं। गाइज अपने लिए एक चीज़ अच्छी है कि अपन डायरेक्ट ऊपर से ही शूट कर सकते हैं और पूरा अपन बाइक से आ सकते हैं, लेकिन मुंबई के साइड से जो आ रहा है उसको पूरा ट्रैक करके आना पड़ता है। मुझे लगा था अपने लिए भी ट्रैक होगा, लेकिन यहाँ अपने लिए ट्रैक नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन ट्रैकिंग में भी मज़ा आती है, लेकिन डायरेक्ट आ गए और बाकी का सब आपको दिखा दिया मैंने। किसी और दिन जाके नीचे से ट्रैक करके आएंगे, ये शायद से पता नहीं मेरे को यार, अब देखना पड़ेगा मेरे को कहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। मैंने देखा था, बाकी याद दिमाग में एक्चुअल आ रहा नहीं है मेरे को एक्चुअल प्लेस कौन सी है वो, तो देखेंगे कभी तो करेंगे। फिलहाल अभी इधर से जाते हैं अपन और नाश्ता करते हैं, बाकी तो इन्जॉय वगैरह कर लिए। आके मुझे इधर एक डेढ़ घंटा हो गया और बाकी वीडियो भी शूट हो गया, फोटो शूट भी हो गया, रील्स भी बन गए। तो गाइस ये देखो बेबी क्रैब, इसको पकड़ना है, लेकिन ये इतने आसानी से आएगा नहीं, ऐसे बहुत सारे इधर, इसको पकड़ना है, आएगा नहीं आसानी से, भाग रहा है। देखो पकड़ सकता हूँ मैं इसको, लेकिन ऐसा है कि थोड़ा मेहनत लगेगी, लेकिन पीछे से पकड़ लूँगा। और इसके आगे हथियार भी है, लेकिन छोटा है, काटेगा नहीं है। पकड़ लिया देखो इसको, छोटा है इसलिए काट नहीं रहा, बड़ा रहता ना तो अभी तक तो मेरे को काट लेता। देखो देते इसको अभी। तो गाइस आ गए अपने पोहे, ये देखो एकदम मस्त, अभी नींबू निचोड़ते इसके ऊपर, मस्त खाते इसको। और अभी पीछे से बच्चे भी आ रहे, ये खाएंगे उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। तो गाइस ये देखो अपने बच्चे भी आ चुके, सूखे नेपाली बोल रहा हूँ, तो ये देखो अपने भजिए आ चुके हैं और इसके साथ एकदम तीखी तीखी मिर्ची है, अभी ये भी खाते हैं और फटाफट इधर से निकलते हैं। अभी बज रहे 10:30, घर पे पहुंच जाएंगे 1 बजे से पहले। एक नंबर। गाइस इधर से थोड़ा सा पेट्रोल भरा लेते, 1 लीटर तो भी डाल देते, क्योंकि मेरे को ऐसा शक है, शक नहीं मतलब लेकिन कुछ भी हो सकता है, इसलिए सेफ्टी ज़रूरी है। पेट्रोल 1 लीटर ले लिया मैंने, देखो इनसे बॉटल के अंदर इनके पास रहता है पेट्रोल, 130 रुपये पेट्रोल है इधर, मतलब 130 मतलब उनका भी, इतने दूर तो पेट्रोल पंप है नहीं, तो भाई वो उनके हिसाब से थोड़ा तो भाव लगाएंगे। अभी इसमें पेट्रोल डालते, अब मेरे पास उधर फनल है घर पे, यहाँ फनल तो है नहीं, अपने को अंदाजे से डालना पड़ेगा। तो गाइज हो चुकी है राइड सक्सेसफुली कंप्लीट, वेदर भी अच्छा था और आते टाइम भाई इतनी धूप थी, आपको जैसे कि दिख रहा होगा, ये देखो क्लाउड्स देखो, इतनी धूप है इधर। और अभी जाता हूँ घर पे, और रास्ता में आपको दिखाने का कुछ मतलब नहीं था क्योंकि वो सेम ही रास्ता था, तो आप भी बोर हो जाते देख देख के, तो घर पे आ गया सीधा। अभी चलता हूँ ऊपर, फिर आपसे बात करता हूँ। तो गाइज अभी अपन पहुँचे घर पे, मतलब पहुँच के मेरे को 1/2 घंटा हो गया, फ्रेश हो रहा था मैं, और अभी मैं खा रहा हूँ सीताफल, सीताफल को क्या बोलते हैं, कस्टर्ड एप्पल बोलते शायद, मेरे को याद नहीं आ रहा है, कस्टर्ड एप्पल ही बोलते हैं शायद इसको। तो अभी मैं खा रहा हूँ सीताफल एकदम मस्त वाले पके पके, और ये खाता हूँ, इसके साथ अपन अभी वीडियो भी एंड करेंगे। और गाइज ये वाला जो अपना ट्रिप था ये बहुत मस्त था, क्योंकि इसमें मेरा पोपट नहीं हुआ, नहीं तो बारिश सब जगह बंद हो चुकी है, लगभग बंद हो गया, बारिश को 1.5 महीना हो गया, एक बूंद नहीं गिर रहा है हम लोग के इधर भी नहीं और कहीं भी नहीं गिर रहा है। महाबलेश्वर में मेरे को लास्ट टाइम बारिश मिली थी और बाकी सब जगह पोपट हो रहा था, इसलिए मॉनसून राइड थोड़े कैंसिल डिले कर रहा हूँ मैं। तो ये जो था मेरा डिले ही था 1 महीना, लेकिन पोपट नहीं हुआ मेरा, मतलब जो भी था एकदम मस्त तरीके से हुआ और मज़ा आ गई। और आपको भी इधर तक देखने में वीडियो मज़ा आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जाना कैसा लगा, और अगला व्लॉग मैं कहाँ का शूट करूँ वो भी कमेंट करके जाना। तो गाइज और लोगों तक शेयर भी करना भाई, शेयर करो तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो अभी ये खाता हूँ और थोड़ा सो जाता हूँ, और मिलता हूँ गाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।